सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बैंक को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो। लंदन सिफारतखाने को परेशान नहीं होना चाहिए। आर्मीनी पादरी इज़मीर लियान को उनके ओहदे से बरतरफ किया जा चुका है। इस बैंक पर आर्मीनियों की आजादी के लिए कब्जा किया गया है। ये कब्जा अजीम आर्मीनिया के कयाम के लिए पहला बड़ा कदम है। तुम इस घर से बैंक तक सुरंग खोदोगे। ये सुरंग बैंक के अंदर सेफ तक जाएगी। उन्हें सेफ खोलने में काफी वक्त लगेगा। तुम्हें हर हाल में उनसे पहले सेफ तक पहुंचना होगा। देखो अब्दुल्ला, ये कोड मेरे लिए बहुत कीमती है और ये मैं हासिल करके रहूंगा, समझे। मेरे भाई, क्या ये सुरंग हम खोद सकेंगे? फिक्र मत करो यूसुफ, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, जब तक वो वक्त ना आ जाए तब तक अब्दुल हमीद की ख्वाहिश के आगे सर मत झुकाइएगा। हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। हमें अपने मंसूबे पर अमल पैरा होने से रोकने के लिए पादरी इज़मीर लियान को रिहा करने के लिए हम पर दबाव डाला जाएगा। हमें इसका अंदाजा है। आप लाइन काट दीजिए। मुतालिबात पेश कर दिए जाएंगे। आप लोग कत्लेआम जारी रखिए। सुल्तान मौजम तशरीफ ला रहे हैं। हमारी रियासत का इत्तेहाद इस वक्त हम लोग की जद में है। आर्मीनी दहशतगर्दों ने बैंक पर कब्जा किया हुआ है। पाया तख्त की गलियां इंतजार का शिकार हैं। सुल्तान मौसम, आखिर वो लोग चाहते क्या है? बात बिल्कुल वाज़ह है। वो लोग रियासत को फना करना चाहते हैं। हमारी रियासत की बुनियाद 4 सुतूनों पर है। पहला सुतून दीन इस्लाम। वो सड़कों पर हमारी खवातीन की बेहुरमती कर रहे हैं। इबादतगाहों के सामने नजिस जानवरों की बाकियात फेंक रहे हैं। आया सोफिया पर सलीब लगाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को नाहक कत्ल किया जा रहा है। दीन इस्लाम के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है। दूसरा सुतून तुर्कों की हुक्मरानी। यहां 6 सदियों से हमारी हुकूमत है। सलजूक के दौर के साथ 9 सदियों से हमारी हुकूमत कायम उत्तायम है। अब बरतानवी रूसियों के साथ मिलकर, फ्रांसीसी और अतालवियों के साथ इत्तेहाद करके हमारी रियासत पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। तुर्कों की हुक्मरानी खतरे में है। दुश्मन अपनी गलीज चालें चल रहा है, मगर वो भूल गया ओवोस में सरफरोशों की कमी नहीं है। हम इस तख्त पर ओवोस कबाइल के जानशीन हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर
हमारी हुकूमत खत्म करके अपना गवर्नर तैनात करें। तीसरा सुतून, पाए तख्त इस्तांबुल, हमारी आंख का तारा, जिसकी फतह की पेशगोई हुई थी, मुश्किल में है। अंग्रेजों के जहाजों का रुख इस जानिब हो चुका है। उनकी तोपें पाए तख्त को तबाह करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हमारे ये तीनों सुतून हमलों की जद में हैं। चौथा सुतून कौन सा है? खानदाने आले उस्मान। हमारे खानदान के कुछ लोग तो यहां मौजूद हैं, यानी आप लोग। जब भी वक्त आया और दीन इस्लाम को खतरा लाहक हुआ तो तुर्क हमेशा उसका मुकाबला करते हैं और उसका खात्मा करके ही दम लिया करते हैं। ये वो वक्त है जब तुर्कों का निजाम जिंदगी खतरे से दोचार है। पाए तख्त इस्तांबुल ने तुर्कों की तहजीब को हमेशा परवान चढ़ाया है। इस खानदान पर अगर हमला कामयाब हो गया तो दीन इस्लाम भी खतरे से दोचार हो जाएगा। वो वाहिद सुतून जिस पर इनिसार है ये खानदान ही है। और आप सब ये नजरअंदाज करके अपने अपने मामलात में उलझे हुए हैं। इस वक्त आप वो करें जो करना चाहिए। अपने दीन से ताकत हासिल कीजिए, दुआएं कीजिए मुसीबत से निजात के लिए, और हक की फतह के लिए दुआ कीजिए अल्लाह से। या तो हालात के मुताबिक सही रास्ते पर चलें, या रियासत की तबाही की सूरत में कुचले जाने के लिए तैयार हो जाएं। और अब वक्त आ चुका है आर्मीनियों की आजादी के लिए जान कुर्बान करने का। क्या कोई है जो आप में से यह एहसास हासिल करना चाहता है? कोई नहीं है। इस इंतखाब का हक मुझे देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। छोड़ो इसे, कहां ले जा रहे हो? कारू, क्या कर रहे हो? जान से मार रहा हूं। बात सुनो, इस लड़की की जान बहुत कीमती है, समझे? अगर सबको रिहा कर दें तब भी अकेली काफी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो, इसे लेकर आओ। मार दो इसे। ठीक है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो क्या करें? तुम्हें मार दे? किसी को भी मारने की जरूरत नहीं। मुझे बाहर जाने दो, मैं जाकर उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कबूल है। अगर तुम नाकाम हुई तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। काम हो गया? अखबार मलिके के हाथों में पहुंच चुका है। बहुत खूब, लेकिन इतना काफी नहीं। मजीद क्या करना होगा? अंग्रेजों के लिए पाए तख्त में दाखिल होना आसान नहीं है सारा। इस काम को करने के लिए मजबूत बहाना, अहम वाकयात और हादसात जरूरी हैं। जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं जनाब जारूफ। चोपिन की धुन सुनना पसंद करेंगे? जहन ताजा हो जाएगा। पियानो बजाने से ज्यादा हम कुछ और काम है तुम्हारे लिए सारा। बरतानवी सफीर के पास जाओ और कहो कि आर्मीनियों का एक और मुतालबा भी है। और आर्मीनियों का मुतालबा क्या है? अब्दुल हमीद की हिरासत में आर्मीनी पादरी इज़मीर लियान है। उनकी जिंदगी के बारे में उन्हें तशवीश है। अगर उसे रिहा न किया गया तो वो आर्मीनी भी भर सकते हैं। रिचर्ड को अब्दुल हमीद के पास तो भेज दूंगी, मगर वो पादरी हमारे किस काम का है? इज़मीर लियान बजाते खुद बिल्कुल अहम नहीं,
मगर किसी भी मजहबी रहनुमा की मौत बहुत अहम होती है। क्या सुना रहे हैं? चोपिन के जनाजे की मौसीकी। देखो दरवाजा खुला है, होशियार हो जाओ। बात करो इनसे वरना गोली मार दूंगा इसे। हमें बताओ हमारे बच्चे किस हाल में हैं? परेशान मत हो, सब ठीक है। मुतालबात बताओ। आर्मीनियों के कुछ मुतालबात हैं। बैंक मैनेजर को बाहर भेजा जा रहा है ताकि वो सुल्तान के सामने मुतालबात पेश कर सके। अंदर बहुत सारे लोग और बच्चे यरगमाल हैं। अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो सबकी जान को खतरा है। मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो बीमार है। अगर उसे वक्त पर दवा ना मिली तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए उसे छोड़ दो। बैंक मैनेजर पहले सिफारत खाने जाएंगे, उसके बाद मुतालबात पेश करने यिल्दिज महल जाएंगे। हमारा साथ देने के लिए एक तोहफा है तुम्हारे लिए, इसे रिहा कर रहा हूं, तुम अंदर जाओ। गोली चलने की आवाज सुनी तुमने? हाँ सुनी थी, दो गोलियां चली हैं। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। हमारी पहली जिम्मेदारी इस सुरंग को खोदना है। अपने जहनों को दूसरी जानिब मत उलझाओ, रफ्तार बढ़ाओ अपनी। सुल्तान की बात सुन ली आपने, अब आप क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम शहजादे हैं, खानदान के अफराद तो हैं लेकिन आम अफराद की तरह नहीं हैं। हमारे पास अस्करी ओहदे भी हैं और हम मुहम्मद के मुजाहिद भी हैं। अस्करी इदारे सब संभाल लेंगे, उनके पास काबिल जनरल मौजूद है शहजादे, वो हमसे बेहतर है, कोई फायदा नहीं जाने का। हाँ सही कहा, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। सुल्तान के लिए मसाइल को मजीद मत बढ़ाइए, हम कोशिश कर चुके हैं। हमने बाबा से कई बार आजादी के हामियों के बारे में बात की लेकिन वो नहीं माने, और ये मुसीबत उसी का नतीजा है शहजादे। यह आपका नजरिया है, बलकान को क्या वो आजादी की खातिर हमसे छीन कर अलग करना चाहते हैं या मिस्र ने कोई आजादी की मुहिम चलाई है शहजादे? मसला यही है, ना आप और ना सुल्तान आजादी के मसले को समझ पा रहे हैं। मसला आजादी का नहीं बल्कि अकायद का है। इंशाल्लाह ये बात आप भी समझ जाएंगे। ये हैं उनके मुतालबात। अपने यही मुतालबात सुल्तान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे रिहा किया है। उनके मुतालबात तस्लीम करने होंगे तभी बैंक का कब्जा खत्म हो सकता है। एहतजाज करने वाले आर्मीनी अपने पादरी आजम की जिंदगी के लिए परेशान हैं। सारा साहिबा ठीक कह रही हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अगर पादरी साहब की जिंदगी की जमानत दी है तो उन्हें आर्मीनियों के तहफात दूर करने होंगे, वरना ये खून खराबा बंद नहीं होगा। लगता है आप खून खराबा बंद करवाना चाहते हैं। क्या आपके जार ने आपको कोई अलग हुक्म दिया है? आर्मेनियों के वाहिद मुहाफिज हम रूसी हैं। जार निकोलाई ने अपना हतमी फैसला सुना दिया है। अगर ये खून खराबा बंद ना हुआ तो रूसी जहाजों को पाया तख्त में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आखिरी तंबी है। हम भी पाया तख्त को अब्दुल हमीद के बगैर देखना चाहते हैं। यही तो वो सोच है जो हमें अब्दुल हमीद से निजात दिलाएगी। रिजा असकर पाशा, बैंक का कब्जा छुड़ाने के लिए अस्करी कार्रवाई का आगाज करें।
मसाले के हल में कितना वक्त लगेगा? जल्द हो जाएगा मेरे सुल्तान, लेकिन लेकिन बेकसूर भी मारे जाएंगे। बजा फरमाया। आइए तहसीन पाशा। मेरे सुल्तान पैगाम भेज दिया है। आफरीन। लेकिन एक बुरी खबर भी है। बैंक से बाहर लाकर एक शख्स को गोली मार दी गई और बैंक मैनेजर को मुतालबात पहुंचाने के लिए रिहा किया गया है। सफीर वफ्त के हमरा यहां आएगा। भेड़िये हमेशा गोल की सूरत में चलते हैं पाशा। सुल्तान मुअज्जम, हम भी लाठियां उठा लेते हैं, उन पर हमला करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करके उन भेड़ियों को कुचल देते हैं। दुश्मनों से लड़े बगैर उन्हें अपना महकुम बनाना असल महारत है पाशा। हम सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ना ही नहीं चाहते बल्कि बेकसूरों को बचाना भी चाहते हैं। लेकिन तैयार रहें आप लोग। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। वाह अब्दुल्ला, तुम तो बहुत ज्यादा माहिर खिलाड़ी निकले। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना आसान नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, सैफ का कोड क्या है? नहीं बताऊंगा। तुम्हें ये राज किसी कीमत पे नहीं दे सकता। अपनी जान तो दे दूंगा मगर रियासत का राज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ठीक है। ये क्या किया तुमने? अब हम क्या करेंगे? कोर्ट कभी नहीं बताता, ये वक्त जाया कर रहा था बस। बात सुनो तुम दोनों, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े उस सेफ को तोड़ दो, बस वो सेफ खुलना चाहिए। जाओ जल्दी। उसकी आंखों ने बता दिया था कि वो कुछ नहीं बताएगा। कोई कितना बहादुर है या बुजदिल, उसकी आंखों से पता चल जाता है जनाब काराकिन। यहां मौजूद तमाम घड़ियां एक अहम वाकये की निशानदही करती है। रेत का हर जर्रा हमारा खत्म होता सब्र है। बताइए, अगर सब्र ही खत्म हो गया तो फिर मुज़ाकरात के लिए क्या बचेगा? सुल्तान मोहतरम, बरतानवी हुकूमत की उस्मानी हुकूमत को दी गई कानूनी इस्लाहात की तजवीज पर अमल दरामद न होने की वजह से हालात गैर मुस्तहकम हुए हैं। बहिरा रूम में बरतानवी जहाज, क्या इन्हीं ख्यालात का नतीजा है? बैन अलग्वामी समंदरों में हमारे जहाजों की मौजूदगी से आपका क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि वो पाए तख्त के नजदीक गली पौली की जानेब पढ़ेंगे। वहां हमारे जहाज आपके जहाजों के मुंतजर हैं। फ्रांस की हुकूमत यह मसला पुरम तरीके से हल करने की ख्वाहिशमंद है। आर्मीनी सिपाहियों के आर्मीनी दहशतगर्द जी बिल्कुल, आर्मीनी दहशतगर्दों के कुछ मुतालबात हैं जनाब विंसेंट। मोहतरम, मैं उस्मानी बैंक में मैनेजर की खिदमत अंजाम दे रहा हूं। मुझे उनके मुतालबात पेश करने की खातिर रिहा किया गया है। और आप सीधे सफारतखाने जा पहुंचे, क्या आप नहीं जानते कि ये मामलात ऐसी जगहों पर हल नहीं होते? दरअसल मैं इनसे मुतालबात की वाजह तरतीब के लिए मदद लेने गया था। चलिए बताइए क्या है। आपकी इजाजत से पहला मुतालबा, आर्मीनियों के जिन खित्तों में ज्यादा आबादी है वहां एक हाई कमिश्नर तैनात किया जाए। आर्मीनी आबादी वाले खित्ते की दाखिली इंतजामिया आर्मीनियों की होगी और वो कोई महसूल नहीं देंगे। जिनके जिम्मे महसूल वाजिब अदा होगा तो बेहतर सूरत यह है कि उन्हें मुआफ कर दिया जाए। आर्मीनी कौम
اپنی مسلح فوج اور اپنے داخلی امور کے انتظامی ادارے خود بنائیں گے۔ ان کے خلاف مقدمات ان کی اپنی ہی عدالت میں چلائے جائیں گے۔ آرمینی اپنے مذہبی پیشوا کا انتخاب خود کریں گے اور سلطان کی توثیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے سرپرست اعلی کا مرکز پایہ تخت ہوگا۔ اور بس کریں، بس بہت ہو گیا، ان میں سے ایک مطالبہ بھی قبول نہیں ہمیں۔ سلطان محسن، پھر یہ قبضہ آپ کیسے چھڑائیں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان مطالبات کا مطلب کیا ہے؟ آرمینی جہاں رہتے ہیں وہاں کرد بھی رہتے ہیں اور ترک بھی رہتے ہیں، ان کے حقوق کا کیا ہوگا؟ ہمارا حکم یہ ہے کہ آرمینی دہشت گرد فوراً ہتھیار ڈال دیں۔ سلطان محترم، یہ مسئلہ اب صرف بینک تک محدود نہیں رہا۔ ان سارے واقعات میں جو آرمینی مارے گئے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق فرانس سے بھی ہے۔ مسلمانوں نے آرمینیوں کو قتل کیا ہے اور ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارے خیال میں یہ احکامات آپ نے دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ آئیے۔ یہ اسلحہ آرمینیوں سے برامد کیا گیا ہے جو کہ برطانوی ہے۔ آپ کے مطابق جن آرمینیوں کو مسلمان مار رہے تھے وہ اسی اسلحے سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ یہ لکڑی ہماری ریاست کے جنگلات سے کاٹی گئی لکڑی ہے۔ آرمینیوں کے پاس وہ برطانوی اسلحہ تھا اور مسلمانوں کے پاس لکڑی کے یہ ڈنڈے تھے۔ اب تم ہمیں یہ بتاؤ گے، آرمینیوں کو قتل کرنے کے احکامات کیا تم نے نہیں دیے؟ اگر ہم حکم دیتے تو مسلمان لکڑی کے ڈنڈے لے کر نہ جاتے۔ ہم نے حکم دیا ہوتا تو شکایت کرنے کے لیے ایک بھی آرمینی باقی نہ بچتا۔ لیکن ہم ایسے کام کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آرمینی قوم عثمانیوں کی وفادار ہے، مگر اب صورتحال مختلف ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کی زبان محفوظ ہے، ان کی درسگاہیں محفوظ ہیں۔ آپ جہاں قبضہ کرتے ہیں وہاں مقامی زبانوں پر پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں افریقہ میں انگریزی بولی جاتی ہے، الجزائر میں آپ فرانسیسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی قبضہ کرتے ہیں وہاں کی عبادت گاہیں گرا کر اس کی جگہ کلیسا قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اجداد نے استنبول فتح کیا تو صرف ایک کلیسا کو مسجد میں تبدیل کیا۔ انہوں نے کسی قوم سے جینے کا حق نہیں چھینا، آرمینیوں کی کسی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیشوا کے انتخاب کا نظام کیا عثمانیوں نے نہیں دیا؟ مخلص آرمینی عثمانی ریاست میں امن و چین کے ساتھ رہیں، کیا یہ آپ نہیں چاہتے؟ عثمانیہ ریاست میں امن کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو آپ لوگ یہاں مداخلت کرنا بند کر دیں۔ ہماری ریاست ہماری قوم سے، آرمینیوں سے اور رومیوں سے دور ہو جائے تو بہتر ہے۔ عثمانی ریاست اگر ختم ہو گئی تو دنیا میں تباہی پھیل جائے گی۔ ایک دوسرے کو مار ڈالو گے تم، یوں لگے گا جیسے اتحاد، لیکن ایسا ہوگا نہیں، سب تباہ ہو جائیں گے۔ سر ونسنٹ، بینک میں موجود دہشت گردوں سے کہہ دیں کہ تمہارا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، اس لیے فوراً ہتھیار ڈال دیں۔ جو آپ کا حکم سلطان محسن۔ سلطان محترم، کم از کم آرمینیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے پادری اعظم کو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کے پاس بھیج دیجیے، ہو سکتا ہے ان کی بے چینی میں تھوڑی کمی آ جائے۔ پیاری والدہ، بیٹھ جائیں ورنہ آپ کو چکر آ جائیں گے۔ کیسے بیٹھیں صباحتین، مایوسی چھا گئی ہے۔ انشاءاللہ اسے محمود کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لیکن والدہ، بابا کا ان آرمینی دہشت گردوں سے کیا تعلق؟ ہم نہیں جانتے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگرچہ آپ کے بابا کا مفاد ہو تو وہ کسی سے بھی تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال زیادہ باہر مت جایا کیجیے، معلوم ہے ہر جگہ افراتفری ہے۔ جی معلوم ہے، لیکن یہی تو وقت ہے
कि रियासत के लिए अपनी खिदमात पेश की जाए। सबाहतीन, आपकी समझ में आ रहा है हम आपसे क्या कह रहे हैं? यिल्दिज़ महल जा रहे हैं, वहीं आ जाइए। रहने दे वालिदा, घर पे ही ठीक हूं मैं। सुल्ताना, सुन रहे हैं, एक खातून आई है आपसे मिलना चाहती है। लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद आपकी पुरानी खादिमा है, किसी मुश्किल में है। ले आइए उन्हें। माफी चाहती हूँ सुल्ताना। आयशा, ये आप हैं? आइए। सुल्ताना, उन लोगों ने मेरे बेटे को भी बैंक में यरगमाल बनाया, वो उसे बचा ले। फिक्र मत कीजिए, हौसला रखिए। आइए यहाँ, आइए यहाँ बैठिए। अब बताइए कि क्या हुआ है। मेरा बेटा और शौहर बैंक गए हुए थे, वो हुकूमती इमदाद वसूल करने के लिए वहाँ गए थे। हम अक्सर वहाँ जाते रहते हैं, हम जरूरत के वक्त वहीं से इमदाद लेते हैं, लेकिन बदमाशों ने वहाँ हमला कर दिया और मेरे बेटे को यरगमाल बना लिया। ठीक है आयशा, ठीक है, खुद को हलकान मत कीजिए, पहले सूरत हाल वाजे हो जाने दीजिए। वहाँ और भी बच्चे यरगमाल हैं, मगर आरिफ की तबीयत बहुत खराब है, वो मासूर बच्चा है, वक्त पर दवा ना मिली तो जान को खतरा हो सकता है। समझ गए आयशा, समझ गए, ये मसला बड़ा है, कुछ करते हैं हम, थोड़ा वक्त दीजिए हमें, अल्लाह हम पर यह मुश्किल भी आसान कर देगा। दुआ कीजिए आप, अल्लाह तमाम वालिदैन को औलाद के दुख से बचाए। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्ताना। आमीन। कुछ देर आराम कीजिए, आज आप हमारी मेहमान हैं। बैंक का मुहासरा कर लिया गया है। बैंक के अंदर बड़ी तादाद में यरगमाली भी मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर जल्दबाजी की तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। अगर किसी तरह आर्मेनियों को बाहर ले आए तो? चूहा आसानी से बिल से बाहर नहीं आता पाशा। जब हम उन पर सुबह बखैर पाशा हजरत, जब हम उन पर हमला करेंगे तो उनके पास जो बारूद है वो कम हो जाएगा। मुमकिन नहीं, वो बम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सिपाही थोड़े फासले पर ही रहेंगे ताकि नुकसान कम हो। सुल्तान ने बैंक में मौजूद हिंदुस्तानी भाइयों के नाम जाहिर होने से बचाने के लिए एक खास मंसूबा बनाया है। कैसा मंसूबा पाशा? एक सुरंग खोदी जाएगी जो सेफ के पास निकलेगी, इसलिए हमें फर्श को नुकसान होने से बचाना है। आला आला, बहुत कमाल का मंसूबा है ये। हम चुपके से दाखिल होंगे और आर्मीनियों को बूम बूम। आपने कभी जंग नहीं देखी, इसलिए आपको अंदाजा नहीं कि बम से कितना नुकसान होता है। ये तो है, अलबत्ता हमने बहुत बार सियासत के मैदान में बम फटते हुए देखे हैं, कुछ बम तो खुद हमने भी फोड़े हुए हैं। यकीन करें, बहुत फायदा होता है पाशा, आप अपना काम जारी रखें। करें, पानी लाया हूं भाई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वो नाम खुफिया क्यों रखे गए हैं? हिजाज की रेलवे लाइन के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों ने बहुत मदद की है और ये इमदाद अब भी जारी है। अल्लाह उनसे राजी हो। और ये बरतानवी उनकी इस इमदाद को किसी भी तरह रोकना चाहते हैं। अगर उनके नाम अंग्रेजों के हाथ लग गए तो वो उन पर सुल के पहाड़ तोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई, थोड़ी और कोशिश करते हैं। दुरुस्त काम हमें काम तेजी से करना चाहिए, अभी आधा काम हुआ है। भाई, जिस तरह हम काम कर रहे हैं इस तरह जल्दी काम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे दादा बताया करते थे, उनके जमाने में सिपाहियों का एक मखसूस लश्कर था, उन सिपाहियों का यही काम था जो इस वक्त हम कर रहे हैं। क्या वो उस तरह सुरंगे खोदते थे? बिल्कुल, फातह सुल्तान मेहमद खान ने कुस्तुन दुनिया के मुहासरे के वक्त
कानकुनों को अहकाम दिए थे, खोदते जाओ जब तक उन फसीलों तक ना पहुंच जाओ। वो कहते थे कि कुछ दिन दुनिया की फतह में इन कानकुनों का बहुत बड़ा हाथ है। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। मालूम है उन कानकुनों में सबसे ज्यादा माहिर आर्मेनी सिपाही थे। इनके अबा अजदाद ने सल्तनत के साथ वफादारी की, मगर इनकी औलाद सल्तनत के साथ गद्दारी कर रही है। क्या सूरत हाल है? सेफ को खोलना मुमकिन नहीं है, इसे हम काट भी नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम लोग इसे खोल नहीं सकते तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे खोलना जरूरी है, समझे? हम दोबारा कोशिश करते हैं, जल्दी करो। اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم. آمين آمين. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. آمين आमीन आमीन। बहुत बड़ी मुश्किल है स्नेहा सुल्तान, बहुत बड़ी, लेकिन शुक्र है कि हमारी मदद के लिए हमारा अल्लाह हमारे साथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि उसने हमें दुआ की तौफीक अता फरमाई। शुक्र है बिदार सुल्तान, शुक्र है। काश हम दुआ के साथ साथ अमली तौर पर भी कुछ कर पाते। कुछ बताना चाहते हैं यहां हम। हमारे यहां पहले एक मुलाजमा काम करती थी, आयशा। आज हमारे पास आई थी, उसका माजूर बेटा भी बैंक में यरगमाल है। उन जालिमों के जुल्म से बच्चे भी महफूज नहीं रहे। दुरुस्त फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी रियासत को इस मुश्किल से जल्द निकाल दे। आमीन, आमीन, आमीन। उस बच्चे की हालत ठीक नहीं है, वो बीमार है बहुत। अगर वक्त पर दवा ना दी गई तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। बैंक में कई बच्चे यरगमाल हैं, अल्लाह उन्हें जल्द अपने वालिदैन से मिला दे और रियासत को बड़े नुकसान से बचा ले। आमीन, 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 आमीन। लगता नहीं कि जल्दी हो सकेगा वालिदा। ऐसा क्यों कह रही है नाइमे? आज महल में सफीर आए थे दहशत गर्दों के मुतालबात पेश करने। सुल्तान ने तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए। लोग कह रहे हैं कि हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। अगर ये बात है तो हम एक दावत का इंतजाम करेंगे। जरा सोच समझकर बात कीजिए बिदार खातून, इन हालात में कैसे दावत का इंतजाम कर सकते हैं? तैयारी शुरू की जाए फौरन। सफीरों की बेगमात की दावत करेंगे हम। मेरे सुल्तान, आप सही थे, टेलीग्राफ लाइन को नुकसान पहुंचाया गया है। कौन कर सकता है यह हरकत? तुम्हें कोई सुराग मिला? कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हमने नई लाइन बिछा दी है और हर जगह मुहाफिज भी खड़े कर दिए। कमालुद्दीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। आपके बाबा उस्मान पाशा की वफादारी पर हमें कोई शक नहीं और आपकी नेक नियति पर भी हमें कोई शुबा नहीं। इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान रियासत और वालदेन में से किसी एक का इंतखाब है। आपने रियासत को चुनकर हमारे एतमाद को बढ़ा दिया है। मुबारक हो फरजंद, मुबारक हो। हया एक अच्छी खासियत है, इसे अपनाए रखना। इंशाल्लाह,
हमारे साथ आओ पाशा। हलाकत जनाब ज़ाहरूफ, हलाकत। अब्दुल हमीद, उसने आर्मीनियों की जानिब से पेश किए गए तमाम मुतालिबात मुस्तरद कर दिए हैं। सारा हमें यह खबर सुना चुकी है। आप क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त जरा मसरूफ हूं, बाल बनवा रहा हूं, सोचते हैं कुछ इस बारे में। जनाब ज़ाहरूफ, पता चला है कि पाशा हजरात मिलकर एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, अचानक बैंक पर हमला करने वाले हैं। हालात काफी पेचीदा हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं, अब्दुल हमीद पादरी इस्मेलियान को आर्मीनियों के पास भेजेगा। अच्छी खबर है। वैसे आपने आज मुझे यहां क्यों बुलाया है जनाब ज़ाहरूफ? मेरे जहन में एक मंसूबा है, लेकिन क्या आपके पास कोई हल है? जनाब ज़ाहरूफ, मेरे पास एक बहुत शानदार मंसूबा है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका फौरी हल निकालना नहायत जरूरी है। मसलन, अब्दुल हमीद एक सुरंग खुदवा रहा है बैंक के नजदीक मौजूद किसी घर में से, और उस सुरंग के जरिए बैंक के सेफ वाले कमरे में पहुंच जाएंगे और दस्तावेज वहां से निकाल लेंगे। उस सुरंग का पता लगाना होगा और उसे उन कानकुनों समेत तबाह करना होगा। सुना ना तुमने जोरबा, बैंक के नजदीक कौन से घर से सुरंग खोदी जा रही है उसका पता लगाकर नक्शा बनाओ, और याद रहे गलती हुई तो तुम्हारे कान काट दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या तंबीह करूं? जनाब ज़ाहरूफ, आप पुराने दौर के आदमी हैं। आपका मंसूबा क्या है पाशा? अच्छा ये बताएं, पादरी इस्मेलियान वो अगर मर जाता है तो आपके ख्याल में क्या होगा? आर्मीनी लोग भड़क जाएंगे, रियासत हिल जाएगी, पाया तख्त के आर्मीनी बगावत पर उतर आएंगे, हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। और फिर उस हंगामा आराई को रोकने के लिए अंग्रेजों से रियासत उस्मानी खुद मदद की दरखास्त करेगी। अंग्रेज अगर पाए तख्त में दाखिल हो गए तो अब्दुल हमीद के रहने का जवाब ही बाकी नहीं रहेगा, वो और उसका खानदान पनाहगाह तलाश करेंगे। अलविदा सुल्तान। जनाब हर्जल, हम दोनों के पास आपके लिए एक खुशखबरी है। आप जैसा एक मशहूर सहाफी और मारूफ कॉलम निगार ऐसी खबर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देगा। खबर क्या है महमूद पाशा? अब्दुल हमीद अपने अहले खाना के साथ मिस्र भाग जाएगा। यह एक ऐसी अफवाह होगी कि सुल्तान के इताद गुजार अफराद भी उस्मानियों से नफरत करेंगे। तुम्हें अंगूठी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं सुल्ताने मोहतरम, अगर मुझे मौका दिया जाए तो। तुम्हें पादरी बनाकर हमने मौका फराहम कर दिया था पैट्रिक अफंदी, लेकिन तुम इंसाफ करना भूल गए। हम उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ अदल कर रहे थे। कमालुद्दीन पाशा, हमारे सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो और इस पादरी को अपने साथ ले जाकर आर्मीनियों को दिखा दो, मगर ये हद से आगे ना बढ़े। आर्मीनी जमात को ये यकीन हो जाए कि तुम जिंदा हो और सही सलामत हो, उसके बाद तुम्हें जिला वतन कर दिया जाएगा। पाया तख्त में तुम्हारी कभी वापसी नहीं होगी। जो कुछ तुमने किया उस पर खुदा से तौबा तलब करो। मुमकिन है तुम्हारे हाथों से खून के निशान मिट जाए। मलिका, मेहमान आ चुके हैं, अंदर भेजिए उन्हें। आइए। सुल्ताना, आपकी दावत हमारे लिए बाईस मुसर्रत है। खुश आमदीद।
خوش آمدید خواتین. شکریہ. ہماری دختر آپ کے بچوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں گی خواتین. کیوں نہیں سلطانہ, یہاں آئے تب تک ہم سکون سے بات بھی کر لیں گے. صحیح کہا, امید ہے آپ کے بچوں کا وقت اچھا گزرے گا اور محل میں گزارا ہوا دن یہ کبھی نہیں بھولیں گے. ان بچوں کے دل بہت خوش ہوں گے جب پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. ہمارا باغ بہت خوبصورت ہے, کیا آپ لوگ دیکھنا پسند کریں گے؟ پرندے, پھول اور پودے, کشتی کی سیر بھی کریں گے اور مچھلیاں بھی دیکھیں گے. خدیجہ, خوش آمدید خواتین, تشریف لائیے, آئیے بیٹھیے. زلفت, قہوہ لے کر آئیے سب کے لیے. جی ٹھیک ہے. ایک بہت بری خبر سننے کو ملی ہے, آرمینی دہشت گردوں نے عثمانی بینک پر قبضہ کر لیا ہے. بہت افسوس ہوا سن کر. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ کام صرف چند غداروں کا ہے. خیر یہ سیاسی باتیں چھوڑیے, سنا ہے آپ کچھ دن پہلے ہی پیرس سے واپس آئی ہیں, یاد تو آتا ہوگا آپ کو. کیا آپ کو امید ہے کہ ہمیں وہ پرشور اور آلودہ پیرس یاد آتا ہوگا؟ گاؤں کی چکی زیادہ بہتر ہے, یہ ڈائر الفنس ڈوڈٹ نے کہا, اور میرا بھی یہی نظریہ ہے سلطانہ. اس شہر استنبول کی خوبصورتی بے مثال ہے, اگر کوئی دیکھ لے تو اس پر فدا ہو جائے. ایک مشہور شاعر ندیمی نے استنبول شہر کے بارے میں یہ کہا ہے, یہ پیرس بھی کتنا عجیب شہر ہے, یعنی دیکھے نا اپنے شاعروں کو بھی متاثر نہ کر سکا. کبھی پیرس میں ہمیں بھی میزبانی کا موقع دیجیے, اگر آپ لوگ پیرس آئیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا. اگر سچ کہیں استنبول کے مقابلے میں پیرس ہو, لندن ہو یا ماسکو ہو, کوئی متاثر نہ کر سکا ہمیں. کیا ہوا؟ کوئی بھی مطالبہ قبول نہیں کیا گیا. اب کیا کریں گے ہم؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا مقصد ہر حال میں حاصل کرنا ہے. وقت نہیں ہے ہیرم. نہیں, سفیر خون خرابے کے خلاف ہے, انتظار کریں. انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے, سب کو مار دیتے ہیں. انہیں مارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے پیچھے فی الحال کوئی نہیں, تھوڑا صبر کریں. ہم لوگ انتظار تو کر لیں لیکن ہمارے آدمیوں کو بھوک لگی ہے, زیادہ خوراک نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے پتا ہوتا تو خوراک کا مطالبہ بھی کرتے, اور خوراک کے لیے وہ انکار نہیں کرتے, ہمارا کوئی تو مطالبہ پورا ہو جاتا. یہ کیا ہے جناب زاروف؟ یہ عبدالحمید کی کھدوائی ہوئی سرنگ کا نقشہ ہے جو آخر کار کانکنوں کا مقبرہ بن جائے گی. اس کا داخلی راستہ تو ہے لیکن خارجی راستہ نہیں ہے. یہ جو بم ہے میرے ذاتی ذخیرے کے چند نادر نمونے ہیں. پھر تو انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم اس سرنگ کو صرف ایک گولی اور ایک بم سے تباہ کر دیں گے. اگر آپ ابھی جا کر ان بچوں کی رہائی کو یقینی بنا سکتی ہیں تو ہی اپنی بیٹی کو آج واپس دیکھ سکتے ہیں ہم, اور ہم اپنی بھتیجیوں کو دیکھ پائیں گے, اور آپ بھی اپنے بچوں کو دیکھ پائیں گی. ابھی جاؤ اور سرنگ کے آخر میں یہ بم نصب کر دو. پادری صاحب, پادری صاحب, پادری صاحب کو جلا دیا ہے انہوں نے. عمر بھائی, سرنگ ڈھہ رہی ہے.
उमर भाई, उमर भाई, उमर भाई कहाँ हैं आप?